हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किसी भी न्यूज़ का अगर आपको आर्टिकल पसंद आता है तो आप चाहते हैं कि इस आर्टिकल को हम पीडीएफ बनाना चाहते हैं, तो अगर आप यहां पे देख सकते हैं कि आपको कहीं पे भी आपको इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप किस तरीके से इस आर्टिकल को आप जो है किसी भी आर्टिकल को आप पीडीएफ कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप किसी भी आर्टिकल को पीडीएफ बना सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, ये पीडीएफ बनाने का सबसे आसान तरीका है और इसमें आपको फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है, जैसे कि आपका जो है चाहते हैं कि किसी भी, जैसे कि ये आर्टिकल आपको पसंद आया, ये मोदी जी पर कुछ लिखा गया है किसानों के बारे में, तो ये आप चाहते हैं कि बार बार मुझे नेट का प्रयोग नहीं करना पड़े और मेरे जो है फाइल में ये सेव हो जाए तो मैं बिना नेट का भी इस आर्टिकल को पढ़ सकता हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले, जैसे कि आप जिस भी आर्टिकल को आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं उस आर्टिकल को सबसे पहले आपको लास्ट तक जाना होगा, जब तक कि उस आर्टिकल का सबसे लास्ट तक आ जाते हैं उसके बाद ये जो है आर्टिकल अब आपको जो है इसको पीडीएफ में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद शेयर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे धीरे धीरे आपका जो है पीडीएफ बनना चालू हो जाएगा। जैसा कि मेरे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरा पीडीएफ जो है बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे जितना भी आर्टिकल लिखा गया था एबीपी न्यूज पे, जैसे कि किसानों के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया, तो ये देखिए पीडीएफ बन चुका है, तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अब इसमें डाउनलोड कैसे करना है, तो यहाँ पर देखिए एक पीडीएफ बना हुआ लोगो है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये देखिए थोड़ा सा आपको प्रोसेसिंग लेगा, तो अगर आप यहाँ पे कुछ पार्ट इसको एक्स्ट्रा हटाना चाहते हैं या आप अपना यहाँ पे नाम लिखना चाहते हैं तो इसको आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है बहुत ही आसानी तरीके से यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है आप इसको जो है सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पर सेव का ऑप्शन एक बना हुआ है, यानी कि सेव लिखा हुआ भी है, तो यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ में सेव हो जाएगा यानी कि डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यूट्यूब चैनल अगर आपका है तो यहाँ पे पर्टिकल आप चाहते हैं कि जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है तो यहाँ पे इस पेज को हम चाहते हैं कि पीडीएफ में बनाना, फिर उसी तरीके से आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शेयर का एक ऑप्शन है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका धीरे धीरे जो है पीडीएफ बनना चालू हो जाएगा। तो चैनल का जो है पीडीएफ बन चुका है, तो जितना भी यहाँ पे वीडियो है आपको मैंने एक जानकारी दिया है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरा यही उद्देश्य है कि आप किसी भी चीज़ को अगर आपको अच्छा लगता है किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सिंपली से आप उसे गूगल करते हैं, तो गूगल में आप उसे सर्च करते हैं, तो वही चीज़ आपको गूगल क्रोम में सर्च करना होगा। अगर आप उस चीज़ को पसंद आ जाता है कोई आर्टिकल और आप चाहते हैं कि मेरा अगर नेट ख़त्म भी हो जाए तो उस आर्टिकल को बाद में हम पढ़ सकते हैं, लाइक जैसे जीके हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, ये सब हो गया, कोई गणित का सूत्र हो गया, एक बार इंटरनेट का यूज करके और बार बार मुझे इंटरनेट का प्रयोग नहीं करना पड़े, तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा ऑप्शन है जो कि आप इसको इसी तरीके से पीडीएफ में बना सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं ताकि आपको इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो आपके मन में अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।